नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात से। योगी सरकार के लाख मना करने के बावजूद भी गौ तस्करों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े गाय को मोटी मोटी काट कर किया जा रहा है व्यापार। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर कटी हुई गाय की बरामद। गौ तस्करों की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की घेराबंदी। पकड़ने के दौरान गौ तस्कर ने बजरंग दल के कार्यकर्ता पर पर्ची फेंक कर किया जानलेवा हमला। बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा पुलिस को सूचना देने के बावजूद ढाई घंटे लेट पहुंची घटनास्थल पर पुलिस। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने बारीकी से निरीक्षण करते हुए तीन लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं कटी हुई गाय को जेसीबी के द्वारा गड्ढा खुदवाकर दफनाया गया। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा पुखराया अहरौली सेक के पास की घटना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव पंडित है, मैं बजरंग दल से जिला गौ रक्षा प्रमुख हूँ पुखराया जिले से। आज यहाँ पर एक गौ तस्करों द्वारा गाय को काट दिया गया है जी, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? हम लोग गौशाला का निरीक्षण कर रहे थे, उसी दौरान एक अपने मिलने वाले उनका फोन आया, उन्होंने बताया कि यहाँ गौ काटी जा रही, गौ तस्करों द्वारा गाय काटी जा रही है। तो हम लोग जब तक वहाँ पहुँचते एक से डेढ़ घंटा हम लोग लेट पहुंच गए थे। उसके बाद उससे पहले पुलिस को ढाई घंटे पहले सूचना कर दी गई थी, जिसके पुलिस ढाई से तीन घंटे बाद वहां पुलिस आई। तब तक जब तक हम लोग वहां घेराबंदी करते कि हम लोग जैसे ही हम लोग वहां धीरे धीरे इकट्ठे हुए, 8 से 10 लोग हो गए। वहां से 5 लोग इस तरफ से गए, 5 लोग इस तरफ से गए। तो वहां पे जो कुछ अराजक तत्व थे जो गाय को काट रहे थे, गौ की हत्या कर रहे थे, गाय का मांस आस बोरियों में पैक करके वहाँ से निकलने, एक बोरी पैक करके निकलने वाले थे। तब तक वहाँ पे बजरंग दल द्वारा कार्रवाई की गई। तो वहाँ से 6-6, 7-7 लोग एक एक बैच में बट के दोनों जगह से उनको घेराबंदी की। और वहाँ पे उसके बाद जैसे ही हम पहुँचे तो सबसे आगे मैं था, तो उन्होंने पर्ची और कुल्हाड़ी लेके हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया, जिससे एक लोग घायल हैं और हमारे मुँह पर छू के निकल गई थी। तो वहाँ पे फिर तीन लोग, दो लोग तो उसमें पकड़े गए, टोटल तीन लोग, एक जिनके बगल में ट्यूब बेल था उनके बगल में काम हो रहा था, उनका कहना है कि हमको पता नहीं, लेकिन सब लोग एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं ये लोग गौ तस्करी को। मौके पर जब पुलिस पहुंची कितने लोग गिरफ्तारी की पुलिस ने? पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तारी की है। क्या यही आरोपी है? क्या इनमें से दो आरोपी हैं, एक बेगुनाह था वो वहाँ पर मिला था, जो बच्चा था वो 8 से 10। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस का कहना है कि हम सबको पकड़ के मुकदमा लिख कर उनको जेल भेजेंगे। We'll be right back.